हिडिंग डालिए तो लुईस ऑफ एसिड एंड बेस आज हम आज हम लोग एसिड और बेस को थोड़ा ढंग से समझेंगे ठीक है सेप्ट ऑफ एंड बेस लेकिन इससे पहले एक जरूरी सोचना पहले ही बोलना था लेकिन अब ध्यान से सुनिए सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात है जॉब छोड़ दिए हैं हम और इसी सेक्टर में रहना है जहां है ठीक है जो लोग ऑनलाइन हैं लाइव हैं या जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में वीडियो देखेंगे कोचिंग जैसे चलता था वैसे ही चलेगा इंग्लिश मीडियम ट्वेल्थ का टाइमिंग होगा सात से आठ मॉर्निंग छ से सात और छ से सात और आठ से नौ ये दो टाइम हिंदी मीडियम का है ये सारे बैच ट्वेल्थ के हैं स्टार्ट होगा एक फरवरी से छः से सात हिंदी मीडियम ट्वेल्थ सात से आठ इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड और सी बी एस ई ट्वेल्थ आठ से नौ हिंदी मीडियम ट्वेल्थ ये अभी का शेड्यूल है और आगे एलेवंथ का जब बैच स्टार्ट होगा ये अभी का नहीं ये आपका सब दिन का शेड्यूल है यही एलेवंथ का बैच जो स्टार्ट होगा वो आगे नौ से दस में और दस से ग्यारह में ये दो बैच हिंदी मीडियम का स्टार्ट होगा और इंग्लिश मीडियम का बैच शाम में चार से पाँच स्टार्ट होगा जब एलेवंथ स्टार्ट होगा तब तो अभी हम इसका चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइम मॉर्निंग में सात से आठ ट्वेल्थ एक फरवरी से स्टार्ट होगा आपका फिजिक्स का टाइम छः से सात रहेगा केमिस्ट्री का टाइम सात से आठ रहेगा तो वैसे लोग जो इस चीज को अभी तो पहली बार आपके बैच में बोला ही गया है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जानकारी शेयर कर देंगे आप सभी लोग और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसी सेक्टर में हमको रहना है आपको वो सब जो लफड़ा बताया गया कि मॉर्निंग हो जाएगा स्कूल छोड़ देंगे फलना चिल्ला इस सबको इस सब का जो जर ही है खत्म कर दिए ये हमारा अपना डिसीजन है और काफी सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है बहुत मथा पच्चीस में हमको करना पड़ा है और पिछले एक महीना से काफी परेशान हम एक महीना से नहीं जब से रिजल्ट आया है तब तो से काफी परेशान रहे थे कि कैसे काम होगा और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इसी में रहना है और जैसे काम कर रहे हैं करते रहेंगे तो आप सभी आदमी जो लोग यहाँ पर पढ़ते थे या जो पढ़ना चाहते हैं आप हों या आपके मित्र सभी को आप इस बात की सूचना दे देंगे कि क्लास एक फरवरी से सात से आठ में स्टार्ट हो रहा है फीस को लेकर जो डिस्कशन होगा वो हम लोग क्लास में कर लेंगे ऑनलाइन ये सब चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है जो लोग ऑफलाइन बैठे हुए हैं इनको हम अभी बता देंगे और बाद में कीजिए जिनको जानकारी चाहिए फ़ोन नंबर है ही आपके पास फोन करके पता कर लीजिए यदि नहीं है फ़ोन नंबर तो नंबर नोट कर लेंगे सेवन नाइन सेवन नाइन ज़ीरो वन नाइन वन थ्री सेवन इस पर यदि आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट हमसे ही बातचीत होगी दूसरी बात यदि आपका कोई सजेशन हो या आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हो तो उसको भी हम सुन लेंगे या आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर डालिएगा कि जो डिसीजन हम लिए हैं वो सही है या गलत थोड़ा हम भी देखेंगे कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं हालांकि ये डिसीजन हम ले चुके हैं इसको अब हम बदलेंगे नहीं आपको बोला गया था कि 20 को फाइनल करेंगे कि क्या करना है लेकिन परेशानी क्या हो रही है आज 18 तारीख को सीट अलॉटमेंट का डेट था बिहार बोर्ड ये बिहार सरकार उसको अलाउ ही मतलब अलॉटमेंट की ही नहीं पंद्रह से सीट अलॉटमेंट का डेट था पंद्रह सोलह सत्रह अठारह किसी भी जिला का आवंटन नहीं हुआ तो इसके इसके आवंटन में भी बहुत टाइम लगेगा इसका काम ऐसे ही चलता है इस वजह से इस सब सिस्टम में काम करना हम लोग के लिए ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं जब जो मन होगा करेगा उस तरह से हम लोग नहीं चल सकते हैं तो आप सभी आदमी निश्चिंत होकर क्लास ज्वाइन करेंगे यदि आप यहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो नहीं इंटरेस्टेड हैं तो कोई बात नहीं लेकिन यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप निश्चिंत होकर क्लास ज्वाइन कीजिए आपके क्लास को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा पिछला साल इलेवेंथ में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था कुछ खास वजह से लेकिन इस बार तो कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि छः से सात और आठ से नौ दो हिंदी मीडियम है बीच में एक ही टाइम है जिसमें इंग्लिश मीडियम का होगा तो इसमें कोई छटपट करने की बात नहीं होगी पिछला साल बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ था इस वजह से इंग्लिश मीडियम वाला बैच का टाइम लगातार चेंज होता रहा ये थोड़ी कमी रही हमारे अंदर और उस चीज़ को हम फील करते हैं और इस गलती को भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ हालांकि इन सब चीज़ों को अब नहीं किया जाएगा निश्चिंत रहिए दूसरी बात है कि ऑनलाइन क्लास नहीं दी जाएगी ऑनलाइन क्लास कंप्लीटली बंद रहेगा इस साल चाहे वो हमारे अपने एप्लीकेशन पर हो या यूट्यूब पर हो यूट्यूब पर कभी कभी कोई लेक्चर चला जाएगा वो एक अलग बात है जैसे मान लो बरसात हुई बहुत सारे लोग नहीं आ पाए तो क्लास लाइव कर देंगे ताकि घर पर भी आप रहें तो पढ़ पाएँ आपका क्लास छूटे नहीं या मान लीजिए कि आप कहीं शादी उदी में चले गए और क्लास आपकी छूट गई तो हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे एक आध लेक्चर दो लेक्चर तीन लेक्चर मैक्सिमम पाँच लेक्चर लेकिन एक तरफ से सारे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे और यदि आप दोनों चीज़ चाहते हैं तो ऑनलाइन का फीस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा ऑफलाइन का तो पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा ऑनलाइन का भी पूरा का पूरा फीस आपको देना पड़ेगा तो ये काम को काफी प्रभावित करता है इसी वजह से ऑनलाइन इस बार नहीं रहेगा सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे अब इससे संबंधित कोई भी बात आपको बोलनी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा या आप लोग जो क्लास में बैठे हुए आप बोल सकते हैं और ये मेरा लास्ट डिसीजन है तो वैसे सभी लोग जो नहीं जानते हैं उनको इस बात को बता दीजिएगा और एडमिशन भी आप ले सकते हैं क्लास आपका एक फरवरी से स्टार्ट होगा और यदि इच्छा है अभी लेने का तो लीजिए नहीं लेने का मन है तो मत लीजिए जब क्लास स्टार्ट होगा तब लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है फीस वगैरह को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे फोन पर डिस्कस कर लेंगे या क्लास में जब आप आइएगा तब डिस्कस कर लेंगे अभी लेकिन क्लास आपका इसी टाइम में चलेगा एक फरवरी से पहले तक इसी टाइम में चलेगा आठ से नौ और जब तक क्लास चल रही है चलता रहेगा एक फरवरी से ट्वेल्थ स्टार्ट हो जाएगा एलिवेंथ का कुछ टॉपिक बच जाएगा आप टेंशन मत लीजिएगा इसको हम बाद में कर देंगे ट्वेल्थ का बैच स्टार्ट करके एक घंटा हम आपको साइड से एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे जो भी लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे हम सब पढ़ा के खत्म कर देंगे इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए चीज़ें थोड़ा डिटेल में चल रही हैं इसीलिए वक्त लग रहा है और सिलेबस का कुछ चीज़ रुका हुआ है और जब स्कूल ज्वाइन हम नहीं करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका हम हर चीज़ ख़त्म कर देंगे सिलेबस उसके लिए सोचना नहीं है तो आइए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एसिड और बेस को तीन अलग अलग तरह के लोगों ने समझाया और अलग अलग तरह के कंसेप्ट पर समझाया जो सबसे पहला कन्सेप्ट है वह है लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस दूसरा कंसेप्ट है ब्राउन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और तीसरा कंसेप्ट है आरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और तीनों तरीके से एसिड बेस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है तो पहले आप इसको डिफाइन मत कीजिए पहले आप समझ लीजिए सुनिएगा ध्यान से। वह हर एक कंपाउंड जिसकी क्षमता जिसकी टेंडेंसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की होती है उसको हम लोग बोलते हैं लुइस बेस और वह सारे कंपाउंड जिसकी टेंडेंसी लोन पेयर गेन करने की होती है क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ये जो कमेंट किए हैं क्या लिखे अच्छा ये पूछ रहे हैं कि आपके कोचिंग में दोपहर में कौन सर पढ़ाते हैं दोपहर में नीले सर क्लास लेते हैं फिजिक्स की क्लास चलती है चलिए सुनेंगे अब। जैसे देखो एक कंपाउंड को ध्यान से देखो NH3 थ्री थ्री में सेंट्रल एटम कौन है बताओ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है पांच ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको तीन ही इलेक्ट्रॉन ना चाहिए तीन में से एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है पांच तीन आठ अब बताइए ये पेयर्ड इलेक्ट्रे बॉन्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं आउटर मोस्ट सेल का वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी इसके पास लोन पेयर बैठा हुआ है इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और एक दूसरा कंपाउंड है जैसे बी एफ थ्री बोरोन इसका सेंट्रल एटम है बोरोन का आइटमिक नंबर होता है पांच फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में तीन इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मात्र तीन ही होता है यदि आप फ्लोरीन के साथ इसको जोड़ेंगे तो एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन तीसरा फ्लोरीन तो कुल में लाके तीन बॉन्ड बनाया मिलेगा इसका मतलब यह है कि बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में ए, एट इलेक्ट्रॉन हो और वह है स्टेबल हो लेकिन यहां पर क्या है कि मात्र कितना इलेक्ट्रॉन हो पाया छे इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट स्पेसिस है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए यह हमेशा चाहेगा कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यह हमेशा चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन किसी को दें दोनों में अंतर देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है और एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो लुइस ने कहा कि जो लोन पेयर देना चाह रहा है वह बेस है और जो लोन पेयर लेना चाह रहा है वह एसिड है समझ में आया कि लुइस एसिड और लुइस बेस क्या है तो लिखेंगे डिफाइन करेंगे इसको लिखिए कंपाउंड विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called lewis base and compound which accept lone pair of electron इज कॉल्ड लुइस साइंटिस्ट का नाम है लुइस एसिड तो जो लोन पेयर दिया वह लुइस एसिड सॉरी जो लोन पेयर दिया वह लुइस बेस और जो लोन पेयर लिया वह लुइस एसिड एज फॉर एग्जाम्पल अभी तुरंत लिखे हैं हम ये इस बात को एन एस थ्री और बी एफ थ्री ये आपस में जब रिएक्शन करता है तो यह लोन पेयर देता है और यह लोन पेयर गेन करता है और आप याद कीजिए लोन पेयर से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा करते थे इसका मतलब है कि NH3 थ्री और बी एफ थ्री के साथ यहां पर किस तरह का बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब बताइए कौन है लुईस एसिड और कौन है लुईस बेस इसको हम लोग कहेंगे लुइस बेस क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ये लोन पेयर दिया है और इसको क्या कहेंगे लुइस एसिड और इसका रीजन ये है कि एन एच थ्री में हाइड्रोजन तीन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और इसके पास एक लोन लोनपेयर और यहां पर क्या दिक्कत है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी इसके आउटर मोस्ट सेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज और यह क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिज तो वह हर एक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा जिसकी टेंडेंसी लोन पेयर गेन करने की होगी वह लुइस एसिड कहलाएगा और वह जो लोन पेयर देता है जो इलेक्ट्रॉन रिच है वह लुइस बेस कहलाएगा हो गया आगे बढ़े अच्छा एक बात बताइए एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कौन सा रिएक्शन एसिड बेस जो आपस में रिएक्शन करता है उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं हाँ या ना तो बताइए यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं तो जानिए अकॉर्डिंग टू लुइस यदि किसी रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है तो यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लुइस नीचे रो देखे अकॉर्डिंग टू लुइस रिएक्शन इन विच कोडिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड न्यूट्राइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कई अलग 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 डेफिनेशन है अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार लुइस के अनुसार अलग है ब्रॉन्सोरी के अनुसार अलग है अरहेनियस के अनुसार अलग है क्या यहां तक आप लिख चुके अब सुनिए अभी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसमें यह इलेक्ट्रॉन दिया और यह इलेक्ट्रॉन लिया इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा लुइस एसिड और लुइस बेस के बीच होता है जो लोन पेड़ दिया वो लुइस बेस और जो लोन पेड़ लिया वो लुइस एसिड तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लुइस Coordinate bond is formed between Lewis acid and Lewis base. Next point: Compound in which central atom have less than eight electrons in their outermost cell in their outermost cell is electron deficient compound conductors लुइस एसिड कैसे स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया आपको लिखा हुआ है कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैव लेस देन एट इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम में आठ से कम इलेक्ट्रॉन हो वह इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड होता है और ऐसा कंपाउंड हमेशा किस तरह से व्यवहार करता है लुइस एसिड की तरह जैसे जैसे बी बीसीएल थ्री बीई सी एल टू ए एल सी एल थ्री ध्यान रखिएगा यह सब लुइस एसिड है क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। आप किसी में भी देख लीजिएगा ऑक्टेट वगैरह पूरा करके किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है क्या उम्मीद करें कि यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है और यहीं पर आप नोट करके लिख लीजिएगा लुइस बेस का भी ना कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए बताइए दो तो एग्जाम्पल बोलो जल्दी एनएस थ्री लोन पेयर है तो लुइस बेस है पीएस थ्री फॉस्फोरस पर लोन पेयर है लुईस बेस है CH3- यदि किसी भी स्पीशीज पर माइनस चार्ज है तो समझ लीजिए वो लुइस बेस है क्यों क्योंकि माइनस चार्ज है इसका मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है का मतलब है कि वो लुइस बेस की तरह व्यवहार करेगा CH3 NH2 लुइस बेस है H2O ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है लुईस बेस है H2O दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लुइस बेस और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑर्गेनिक में जाएगा देखिएगा बहुत मिलेगा आपको कल के डेट में आपको लीगेंड पढ़ना है सारा लीगेंड लुइस बेस होता है ट्वेल्थ में पढ़िएगा तो इस प्रकार लुइस एसिड और लुइस बेस का कंसेप्ट समाप्त हुआ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अब हमारा अगला टॉपिक है ब्राउन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसीड एंड बेस ही नहीं डालेंगे ब्राउन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसीड एंड बेस थोड़ा जो समझने वाला बात था वो सब पिछला टॉपिक में था लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिडेंट बेस इसमें कोई ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है देखो सुना इधर इसके अनुसार वह सभी कंपाउंड एसिड होता है जो H प्लस देता है और वह सभी कंपाउंड बेस होता है जो H प्लस को गेन करता है H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस लेने वाला बेस खैर कुछ एक्स्ट्रा बात जानी पहले आप ये बताइए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वन एटोमिक मास कितना होता है वन चलो ठीक है बताइए तो किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा प्रोटॉन भी एक ही होगा इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा न्यूट्रॉन कैसे निकलता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर तो न्यूट्रॉन हो जाएगा एक माइनस एक यानी कितना जीरो बाबू हाइड्रोजन एक सिंगल एटम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है इसमें एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन अब जरा बताइए तो यदि हम इस पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखा दें मतलब एच प्लस दिखा दें तो एक पॉजिटिव चार्ज दिखाने का मतलब है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अब बताओ कि एक तो इसके पास मात्र एक के वो इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया न्यूट्रॉन पहले से ही नहीं था इलेक्ट्रॉन को आप निकाल ही दिए तो बचा क्या प्रोटॉन इसका मतलब ये हुआ कि आप एच प्लस लिख दें या आप उसी को प्रोटोन लिख दें दोनों सेम बात है एक ही बात है यानी अब जब भी हम प्रोटोन बोलें तो आप समझ लीजिए हम एच प्लस की बात कर रहे हैं या एच प्लस बोलें तो आप समझ लीजिए प्रोटोन की बात कर रहे हैं तो वह हर एक कंपाउंड जो प्रोटोन देता है या जो H प्लस देता है एसिड कहलाता है और वह हर एक कंपाउंड जो प्रोटोन गेन करता है एक्सेप्ट करता है एच प्लस एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लो, उसको हम लोग बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ठीक है तो डिफाइन करेंगे इसको ये समझ में आया कि एच प्लस प्रोटोन क्यों बोलेंगे लिखिए कंपाउंड विच गिवस H plus ion or proton is called is called acid and compound which accept एंड कंपाउंड विच एक्सेप्ट एच प्लस आयन और प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस जैसे एग्जांपल देखिए एच सी एल प्लस एनएच थ्री ध्यान देना आप लोग एच सी एल टूटेगा कैसे एच प्लस में और सी एल माइनस में एन एच थ्री बताओ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है कि नहीं इसको डुएट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है बताइए यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता था लोन पेयर देता था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था तो ये दोनों मिलके बना देगा एन फोर प्लस और आप याद करो एन फोर प्लस को ही हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं और प्लस बच क्या गया Cl माइनस यदि हम इस दोनों को आपस में मिला दें और यदि मिला के बोले तो इसको क्या बोलेंगे एन एच फोर सी एल हाँ या ना इसी कंपाउंड का नाम है अमोनियम क्लोराइड अब बताइए इस स्थिति में H प्लस दिया कौन और H प्लस लिया कौन एच प्लस दिया एच सी एल इसीलिए क्या कहलाया गया एसिड और उस एच प्लस को गेन किया कौन एन एच थ्री इसीलिए ये क्या कहलाया गया बेस समझ में आया अब एक मिनट फिर से रुकिए एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं यहां भी एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हो रहा है तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटेड लोरी हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटेड लोरी रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ एच प्लस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो रहा है इस पूरे रिएक्शन में इस पूरे रिएक्शन में एच प्लस का ट्रांसफर हुआ है एक से एच प्लस निकला है और दूसरे में एच प्लस गया है क्लियर है ये उतारेंगे इसको According to Bronsted Lodi, reaction in which transfer of H plus ion or proton takes place. ज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो H प्लस देने वाला हर एक चीज एसिड है और H प्लस गेन करने वाला हर एक चीज बेस है अब इसका लास्ट कंसेप्ट है आर्नियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस तो आगे का हेडिंग डालेंगे आप आर्नियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इसका एक अपना अलग कंसेप्ट है और देखो इन्होंने क्या कहा वह हर एक चीज जो H प्लस देता है एसिड कहलाता है और वह हर एक चीज जो ओ एच माइनस देता है बेस कहलाता है H प्लस देने वाला एसिड ओ OH एच माइनस देने वाला बेस पिछला और इसमें अंतर क्या है H प्लस देने वाला एसिड H प्लस लेने वाला बेस इसमें क्या है H प्लस देने वाला एसिड और ओ एच माइनस देने वाला इसमें दोनों देने वाले की बात हो रही है बस अलग अलग चीज एक एच प्लस दे रहा है दूसरा ओ OH एच माइनस दे रहा है लिखेंगे कंपाउंड विच गिव्स एच प्लस आयन इज कॉल्ड एसिड एंड कंपाउंड च गिवस ओ एच माइनस आय इज कॉल्ड बेस वह कंपाउंड जो एच प्लस दिया एसिड और वह कंपाउंड जो ओ एच माइनस दिया बेस जैसे एग्जाम्पल एच सी एल प्लस एन जरा बताइए तो क्या बनाएगा ये ये टूटेगा कैसे H प्लस में और Cl माइनस में ये कैसे टूटेगा Na प्लस में और ओ एच माइनस में Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना देगा NaCl. सी एल और एच प्लस और ओ OH एच माइनस मिलकर क्या बना देगा एच टू ओ यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एच प्लस और ओ एच माइनस मिलके एच टू ओ का निर्माण किया है और ऐसे केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं एसिड से कहा से आता है बेस से OH क्लियर है? है ये तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन है तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा लिखेंगे इसको रिएक्शन को लिखिए और नीचे रो देखे लिखिए तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन Is called Neutralization Reaction is called Neutralization Reaction Is May Seed con? इधर मान लो हम एसिड लिखते हैं और इधर हम मान लो बेस लिखते हैं और ये एसिड बेस रिएक्शन करता है ना तो इसमें एक बन जाता है सॉल्ट और एक मॉलिक्यूल क्या बन जाता है वाटर जैसे कुछ एग्जाम्पल इस पर आप देखिए एक दो एग्जाम्पल आप ऊपर पर लिखे हैं एच सी एल प्लस एन एच क्या बनाया NaCl एच टू थोड़ा कुछ रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए तो आप क्या ये लिखा हुआ हुआ है कि नहीं तो लिखे हैं कि नहीं अभी तक नीचे कर दें क्या तो इसको अब पूरा कीजिए कुछ हम लिख रहे हैं एच एन ओ थ्री प्लस के ओ एच इसको पूरा कीजिए एच टू एस ओ फोर प्लस एन एच को पूरा कीजिए एच एन ओ थ्री प्लस सी एच का होल्ड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पूरा कीजिए एच टू एस ओ फोर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पूरा कीजिए तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनाएगा ध्यान रहे ये सब एसिड है और यह सब बेस है ये सीड बेस के बीच होने वाला हर एक रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें हर बार वाटर का फॉर्मेशन होना सभी लोग जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जो यहाँ बैठे हुए हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि जो डिसीज़न हम लिए हैं वो आपको कितना परसेंट सही लगा ज़ीरो परसेंट से लेके हंड्रेड परसेंट तक का ऑप्शन है आप यदि डायरेक्ट बोल नहीं सकते तो कम से कम वहाँ लिखिए हालाँकि डिसीजन मेरा यही रहेगा यह बदलेगा नहीं लेकिन फिर भी हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप मेरे लिए क्या सोचते हैं और इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा हम भी रखते हैं अपने जीवन में कि आदमी कितना चीज का त्याग किया ये उसके लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि त्याग करना बहुत मुश्किल काम है और कोई आदमी उस उस त्याग को करके भी अपनी लाइफ को जी रहा है तो समझ लीजिए कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा टारगेट है उसके दिमाग में त्याग करने वाला गुण सभी में नहीं होता है शायद हमें भी उतना नहीं है लेकिन जहां तक हो पाया है हम किए हैं और यदि आज इस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं तो तो जरूर कुछ अच्छा चीज़ को पकड़ने के लिए ही छोड़े ही होंगे कहे कि आप यदि सोचते हैं कि नौकरी ज़्यादा अच्छा है तो ऐसा थोड़ी है कि हम ये नहीं सोचते होंगे लेकिन हम अपने आप को बेहतर पहचान सकते हैं आप जित जितना हम खुद को पहचान सकते हैं उतना आप हमको नहीं पहचान सकते या कोई भी दूसरा आदमी हमको नहीं पहचान सकता तो कोई भी अदर पर्सन हमको जज नहीं कर पाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं इवन हमारे माँ पिता मतलब मम्मी पापा ही क्यों ना हो भाई बहन क्यों ना हो घर के लोग क्यों ना हो बाहर के लोग क्यों ना हो स्टूडेंट क्यों ना हो हमारे टीचर क्यों ना हो तो अपना अपना सबका अलग अलग विल पावर होता है और इस डिसीजन को लेने में लेने से पहले हम बहुत सोच विचार किए हैं बहुत गहन मंथन हुई है हर चीजों पर कुछ बुद्धिजीवी लोग जो जिनको हम मानते हैं कि वो हमको सही सजेशन दे सकते हैं उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई है और तब जाके हम इस निर्णय पर पहुंचे अब ये डिसीजन मेरा कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन डिसीजन मेरा यही है लेकिन फिर भी आपसे जरूर चाहेंगे कि आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें आपका ज़ीरो परसेंट से लेकर हंड्रेड परसेंट तक का ऑप्शन है जरूर इसमें डालिएगा आप लोग ताकि हम देखें कि आप क्या सोचते हैं हो सकता है कि हम ही गलत हों और इस बार गलत भी हैं तो यही मेरा डिसीजन गलत है तो गलत ही सही क्या बनाएगा बताइए ये ये बना देगा के एन थ्री पोटासियम नाइट्रेट प्लस एच टू ये बनाएगा एन ए टू ओ फोर प्लस टू एच टू रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा इसमें यहां पर आपको लेना पड़ेगा कितना टू ये बनाएगा आपको कैल्शियम नाइट्रेट सी ए एन ओ थ्री का होल टू और प्लस बनाएगा टू एच टू यहां भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा यहां पर यहां दो करना पड़ेगा यह बनाएगा कैल्सियम सल्फेट सी ए एस ओ फोर प्लस टू एच टू ये बैलेंस है रिएक्शन इतना करने के बाद नौकरी को छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्कूल में हम आठ घंटा बैठे रहते हैं और इस आठ घंटा में मात्र हम पैंतालीस मिनट पढ़ा पाते हैं बस यही मेरी ड्यूटी है बाकी का सात घंटा हम बैठ के बर्बाद करते हैं और हमारे पास सात मिनट नहीं है बर्बाद करने के लिए हम सात घंटा कहाँ से बर्बाद करेंगे चाहे हमको फ्री में कोई रुपया क्यों ना दे बैठ के हम नहीं खा सकते हमारे अंदर वो नेचर ही नहीं है हमारा नेचर ही वो नहीं है और सबसे ज़्यादा हम पिछला 20-25 दिन से क्लास मतलब स्कूल जा रहे हैं और हम फील किए हैं कि इस तरह से शायद हम रुपया ज़्यादा कमा लें लेकिन हम अपनी जी हम हम अपना जीवन नहीं जी पाएंगे और इस पूरे नौकरी को छोड़ने के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि रुपया यदि आप कम भी कमाते हैं तो वो मैटर नहीं करता है आप अपना जीवन जी लीजिए जीवन जीना अच्छे से ज़्यादा जरूरी है आप उस जीवन को जिये जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है हम तो बहुत छोटे मोटे टीचर हैं दृष्टि आई वाले जो सर हैं विकास देविकृति वो आदमी आई का जॉब छोड़ दिया बताइए गृह मंत्रालय में हमको लगता है वो शायद जॉब में थे चार पाँच साल आई के पद पर रहे और वो आदमी उस चीज़ को छोड़ के कोचिंग सेक्टर में आ सकता है क्योंकि वो खुद को जान रहे थे कि कहाँ है तो हम भी प्रयास करते हैं कि हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं या नहीं पहुँचेंगे वो हमारा मतलब नहीं है या हमारी वो सोच भी नहीं है अभी फिलहाल लेकिन ये हम समझते हैं कि इस चीज़ को छोड़कर शायद हम कुछ बेहतर कर लेंगे शायद हम ज्यादा अच्छा जीवन जी लेंगे उस चीज़ को छोड़कर इसीलिए इस ऑप्शन को हम छोड़ रहे हैं और इस चीज़ को छोड़ते हुए हमको भी काफी अफसोस हो रहा है लेकिन एक आदमी दो रास्ते नहीं चल सकता है एक ही रास्ते चल सकता है और वो रास्ता मेरा यही है और इसी को लेके हम चलेंगे इसीलिए आप सभी आदमी बिल्कुल सिक्योर हो जाइए स्योर होके क्लास करने के लिए आ सकते हैं ट्वेल्थ में कभी भी टाइम का टाइम चेंज नहीं होगा वो सारे चीज़ सही तरह से चलेगी और एक बात और जान लीजिए यदि हम नौकरी छोड़ के वापस आए हैं तो इस बात का पूरा का पूरा ध्यान रहे कि हमारे काम का लेवल ए और एक और अलग स्तर का होगा और काम पर फोकस पहले से भी कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि यदि कुछ छोड़े हैं तो दूसरा चीज को पकड़ने के लिए और पकड़ना हम बेहतर जानते हैं इसीलिए आप निश्चिंत होकर क्लास ज्वाइन कीजिए सभी आदमी क्या हो गया ये लिख लिए नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा है कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बाद पढ़ेंगे हम लोग बफर सॉल्यूशन उसके बाद सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा या तो थर्मोडाइनमिक्स या फिर गैसियस स्टेट और इस बात का ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ यदि छूट भी जाएगा तो टेंशन नहीं लेना वो हम पढ़ा देंगे सबको साथ बुला के चूँकि छः से सात सात से आठ आठ से नौ तीन ही बैच रहेगा उसके बाद हम भर दिन बैठे रहेंगे तो हम किसी भी टाइम में आपको बुला के जिस टाइम में आप कंफर्टेबल फील करेंगे बुला के हम सारी चीज़ों को पढ़ा देंगे और जो भी लोग क्लास कर रहे हैं क्लास कीजिए अभी जैसे कर रहे हैं एक फरवरी से ट्वेल्थ स्टार्ट होगा इंग्लिश मीडियम का टाइम सात से आठ होगा फीस के लिए फोन कर लेंगे या ऑफिस में एक बार संपर्क कर लेंगे और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस रहेगा फीस कम ही रहेगा लड़की लोगों का तो इस बार और कम रहेगा फीस